कभी ना कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसा मौका आया होगा जहां आपको उस चीज का पहले होने का एहसास हुआ होगा। इसे हम सिक्स्थ सेंस से भी जानते हैं, जो कुदरत का तोहफा होता है, जो हमें आने वाले भविष्य की थोड़ी सी झलक दिखा देता है। मगर कुदरत का करिश्मा एक और है कि हम अपने इस शक्ति से अनजान होते हैं और इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। द फिल्म इफ आई प्रेजेंटिंग द सिक्स्थ सेंस। द सिक्स्थ सेंस एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म साल 1999 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फेमस डायरेक्टर एम नाइट शामलन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म ने $672 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया था, जबकि इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.1 थी। तो चलिए फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम मालकोम को देखते हैं, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर है। वो बहुत खुश है क्योंकि आज उसे वहाँ के मेयर द्वारा सम्मानित किया गया है। मैलकम की बीवी एन उसे कांग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो। इसके बाद ये दोनों अपने बेडरूम में चले जाते हैं, जहां एना नोटिस करती है कि बेडरूम की खिड़की का ग्लास टूटा हुआ है और फोन की लाइन भी काटी हुई है। फिर इन दोनों को बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगती है। मैलकम जब बाथरूम में जाके देखता है तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जिसने कपड़े नहीं पहने होते हैं। मैलकम उससे बोलता है कि तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते हो। वो आदमी चिल्लाते हुए उससे बात करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा ही पेशेंट हूँ, तुमको क्या कुछ याद नहीं रहता। मैलकम अपनी याददाश्त पर जोर डालता है तो उसे याद आता है कि ये उसका ही पेशेंट विंसेंट ग्रे है। जब ये छोटा था, मैलकम ने इसका इलाज किया था। विंसेंट अपनी इस हालत का जिम्मेदार मैलकम को बताता है। मैलकम उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर विंसेंट तभी एक गन निकाल के मैलकम की तरफ पॉइंट कर देता है और उसे शूट भी कर देता है। अगले सीन में हम मैलकम को देखते हैं, जो एक घर के बाहर बैठा होता है। तभी सामने वाले घर से एक बच्चा बाहर आता है। उस बच्चे का नाम कोल है। उसकी उम्र 9 साल है। दरअसल ये मैलकम का अगला केस होता है, इसीलिए मैलकम उस घर के बाहर बैठा होता है। इस बच्चे को एंग्शियस एंग्जायटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। मैलकम उस बच्चे के पीछे चलना शुरू कर देता है। मैलकम उसके हाव भाव नोटिस करने की कोशिश कर रहा होता है। कोल एक चर्च में जाके बैठ जाता है, जहां मैलकम उससे मिलता है। मैलकम उसे अपना नाम बताता है और बोलता है कि तुम्हारा मेरे साथ अपॉइंटमेंट है। मैलकम कोल से बात करते समय उसके हाथों को नोटिस करता है, जहां बहुत सारे चोट के निशान होते हैं। मैलकम कोल से ये भी पूछता है कि वो उसके आने से पहले अपने खिलौने से क्या बात कर रहा था। दरअसल जब मैलकम कोल से मिलने चर्च में आता है तो वो देखता है कि कोल अपने खिलौनों से कुछ बात कर रहा है। वो ये देखकर थोड़ा हैरान होता है। कोल उसे उस बात का जवाब लैटिन में देता है और उससे पूछता है कि क्या वो अच्छा डॉक्टर है। मैलकम मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि मैं कितना अच्छा डॉक्टर हूँ, इसका जवाब तुम्हें मेरा वो अवार्ड देगा जो कि मुझे अभी हाल ही में मेयर द्वारा दिया गया है। कोल उसे ये भी पूछता है कि क्या हम फिर से मिलेंगे। मैलकम बोलता है कि अगर तुम चाहोगे तो हम जरूर मिलेंगे। इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मैलकम अपने घर आता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ सो रही होती है। वो बिना उसे डिस्टर्ब किए बेसमेंट में चला जाता है और उस लाइन का मतलब खोजने लगता है जो कोल ने उसे लैटिन में कही होती है। उस लाइन का मतलब होता है, आउट ऑफ द डेप्थ्स आई क्राई टू यू ओ लॉर्ड। अगले दिन हम कोल को देखते हैं, जो कि स्कूल जाने के लिए रेडी है और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा है। उसकी मॉम वहाँ आती है और उससे बोलती है कि तुमने अपनी टाई खराब कर दी है। वो उसे खोल के वॉश करने जाती है और जब वापस आती है तो देखती है कि किचन के सारे कैबिनेट्स के गेट खुले होते हैं, जो कि वो अभी थोड़ी देर पहले बंद करके गई थी। वो कोल से पूछती है कि क्या तुम कुछ ढूंढ रहे थे। कोल मना कर देता है। उसकी माँ उसे हैरानी से देखने लगती है। कोल अपनी माँ से पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो और क्या तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही हो। उसकी मॉम उसके पास जाके उसे प्यार से बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रही हूँ। अब हम देखते हैं कि कोल वहाँ से चला जाता है, पर हमें उस टेबल पर अजीब सा देखने को मिलता है। वहाँ एक हाथ का निशान होता है जो कि थोड़ी देर बाद अपने आप गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कोल अपने स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होता है, जहाँ वो अंदर जाने के लिए हिचकिचा रहा होता है, मानो कि वो अंदर जाना ही नहीं चाहता हो, पर वो अंदर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कोल स्कूल से वापस घर आता है। वो घर पर अपनी मॉम के साथ मैलकम को देखता है। उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैलकम कोल को बैठने के लिए बोलता है। कोल मना कर देता है। मैलकम बोलता है कि तुम बात करना चाहोगे। वो फिर से मना कर देता है। मैलकम समझ जाता है कि कोल उसके पास आने के लिए हिचकिचा रहा है। मैलकम कोल से बोलता है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे माइंड में चल रहे सवालों को गैस करूंगा और अगर मैं सही हुआ तो तुम एक कदम आगे आ जाना और अगर मैंने गलत गैस किया तो तुम पीछे चले जाना। ऐसे ही अगर तुम पहले चेयर के पास आ गए तो तुम्हें यहाँ बैठना पड़ेगा और अगर तुम गेट के पास पहुँच गए तो तुम बाहर जा सकते हो। कोल गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है। मैलकम कोल से कहता है कि जब तुम्हारे मॉम और डैड का डाइवोर्स हुआ था तो तुम्हें कंसल्ट करने के लिए एक चाइल्ड डॉक्टर आया करता था जो तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करता था और तुम शायद यही सोच रहे हो कि मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा।
कोल एक कदम आगे आ जाता है। फिर मैलकम कोल से बोलता है कि तुम्हारे कुछ ऐसे राज हैं जो कि तुम मुझसे नहीं कह पा रहे हो। कोल फिर से एक कदम आगे आ जाता है। ऐसे कर करके कोल उसके पास चेयर तक पहुंच जाता है। अब मैलकम उससे बोलता है कि तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है वो तुम्हें तुम्हारे डैड ने दी थी। कोल एक कदम पीछे चला जाता है। वो बोलता है कि ये घड़ी तो ड्रॉर में थी। मैलकम उससे बोलता है कि तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और तुमसे सभी स्कूल में बहुत प्यार करते हैं। कोल फिर से एक कदम पीछे चला जाता है। वो बोलता है कि उन सबको एक ड्राइंग बनाने के लिए दी थी और उसने एक आदमी की ड्राइंग बनाई थी जो दूसरे आदमी को स्क्रू ड्राइवर से मार रहा होता है। मैलकम उससे बोलता है कि तुमने ये टीवी पर देखा होगा। और कोल फिर से एक कदम पीछे चला जाता है। वो ये भी बताता है कि वो ड्राइंग बनाने के बाद सब मुझसे नाराज हो गए थे और मॉम स्कूल में रोने भी लग गई थी। अब कोल उससे पूछता है कि अब बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैलकम उसका जवाब नहीं दे पाता है। वो एक कदम और पीछे हो जाता है और बोलता है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पर शायद आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कोल को स्कूल के रास्ते में मैलकम मिलता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी मॉम को कुछ बताते हो। वो मना कर देता है। वो बोलता है कि मेरी मॉम की नजरों में मैं नॉर्मल चाइल्ड नहीं हूँ और अगर मैं उन्हें कुछ बताऊंगा तो वो शायद मुझे गलत समझेंगी। मैलकम उससे बोलता है कि तुम गलत नहीं हो, तुम बस औरों से थोड़ा अलग हो। अब कोल और मैलकम दोनों वापस घर आ जाते हैं। मैलकम उसे फ्री एसोसिएशन राइटिंग के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। तो कोल मना कर देता है। वो बोलता है कि इसमें तुम्हारे हाथ में एक पेपर और एक पेन होता है और तुम्हें बिना सोचे समझे उस पर कुछ लिखना होता है। इसके जरिए तुम्हारे अंदर की ऐसी चीजें बाहर आ जाती हैं जो कि तुम खुद भी नहीं जानते हो। मैलकम कोल से पूछता है कि क्या तुमने कभी ऐसी राइटिंग की है। कोल बोलता है कि मैंने ऐसी राइटिंग की है। वो उससे पूछता है कि तुमने क्या लिखा था। वो थोड़ा सहम जाता है और बोलता है कि बुरी बातें। मैलकम उसे ये भी पूछता है कि अगर तुम्हें कुछ अपनी जिंदगी में बदलने के लिए दिया जाए तो तुम क्या बदलोगे। वो बोलता है कि मैं अब और डरना नहीं चाहूंगा। उधर हमें अब कोल की मॉम को दिखाया जाता है जो अपने और अपने बेटे कोल की फोटोज देख रही होती हैं। वो नोटिस करती है कि हर फोटो में कोल के पास एक रोशनी होती है। वो घबरा जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि कोल अपने हिस्ट्री की क्लास में होता है। वहाँ उसके टीचर उसे उसके शहर के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमारे शहर की हर चीज के पीछे एक इतिहास छुपा है, यहाँ तक कि हमारे स्कूल के पीछे भी एक इतिहास छुपा है। वो बोलता है कि क्या किसी को इस इतिहास के बारे में पता है। कोल अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है कि यहाँ लोगों को फांसी दी जाती थी। उसका टीचर उसको हैरानी से देखने लगता है और बोलता है कि नहीं, यहाँ तो एक कोर्ट रूम हुआ करता था। तो कोल बोलता है कि यहाँ उनके द्वारा ही फांसी दी जाती थी। उसका टीचर उसको घूरने लगता है। कोल चिल्ला के बोलता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मैं जानता हूँ कि जब तुम स्कूल में थे तब तुम हकलाते थे और तब भी आप लोगों को ऐसे ही देखते थे और आप अभी भी हकलाने वाले हो। वो सच में हकलाने लगता है। उसका टीचर उससे बोलता है कि तुम्हें ये सब बात किसने बताई। वो उस पर चिल्लाने लगता है और उसे पागल बोलना शुरू कर देता है। अब दूसरी तरफ हम मैलकम को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उसकी वाइफ डिप्रेशन में है और पिल्स ले रही है। वो थोड़ा परेशान हो जाता है। अगले दिन एक बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है जहाँ कोल होता है। उसे तभी कुछ बच्चे ऊपर बुलाते हैं और उसके साथ शरारत करके उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे बचाने के लिए आ जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा नहीं खुलता है। पर तभी थोड़ी देर बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है और हम देखते हैं कि कोल अंदर बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर्स उसके शरीर की चोटों को देखता है। डॉक्टर उसकी माँ को बोलता है कि इसकी चोट देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इसको मारती हो। उसकी माँ चिल्ला के बोलती है कि ये मेरा बेटा है, भला मैं कैसे इसे मार सकती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोल बेड पर लेटा होता है और तभी वहाँ मैलकम आ जाता है। मैलकम अपनी बीवी की वजह से परेशान है। कोल भी ये बात समझ जाता है। वो मैलकम से बोलता है कि वो भी उसे कुछ बताना चाहता है। वो मैलकम को बताता है कि उसे मरे हुए लोग दिखते हैं। मैलकम उससे पूछता है कि क्या उसे ये सब सपने में दिखता है। तो वो बोलता है कि नहीं, ये सब उसे असल में दिखता है। वो बताता है कि वो उन लोगों को आम लोगों की तरह देखता है और उन्हें नहीं पता कि वो मर चुके हैं। कोल मैलकम से बोलता है कि आप इसके बारे में किसी को मत बताना। मैलकम उससे वादा करता है कि मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। कोल ये भी बोलता है कि प्लीज आप मेरे सोने तक यहीं रहना, और ऐसा कहकर कोल सो जाता है। मैलकम सोचता है कि शायद कोल हेलुसिनेट कर रहा है जिसकी वजह से उसे ये सब विजुअल्स दिख रहे हैं। कोल की मॉम उसकी पीठ पर कुछ चोट के निशानों को देखती है। उसे लगता है कि शायद उन बच्चों ने कोल को मारा है जिसकी वजह से वो निशान आए हैं। वो दुखी हो जाती है। वो उन बच्चों के मॉम डैड को कॉल करती है और बोलती है कि आपके बच्चे कोल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो उसे परेशान करना बंद कर दें। अब हम देखते हैं कि कोल आधी रात को उठ जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। वो वॉशरूम जाने की कोशिश करता है और तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई गया है। वो किचन में जाके देखता है तो वहाँ एक औरत खड़ी होती है। वो कोल की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बहुत बुरे पति हो। कोल डर के अपने टेंट में छुप जाता है जहाँ वो बहुत सारे भगवान के फोटो इकट्ठे करके रखता था। उधर हम एन को देखते हैं जो कि मैलकम की वाइफ है और हमें ये पता चलता है कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है।
मैलकम ये देख लेता है और दुखी हो जाता है। वो कोल के पास जाता है और सारी बात बताता है। कोल उससे पूछता है कि अब आप क्या करेंगे। वो बोलता है कि मैं अपनी वाइफ से पहले की तरह बात करना चाहता हूँ। वो कोल को ये भी बोलता है कि अब मैं तुम्हारा डॉक्टर नहीं हूँ, पहले मैं अपने घर की प्रॉब्लम सही करना चाहता हूँ। कोल मैलकम से बोलता है कि प्लीज आप ऐसा मत करिए, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। वो मैलकम से ये भी पूछता है कि मैंने जो आपको अपना सीक्रेट बताया था, आपको उस पर यकीन तो है ना। मैलकम चुप हो जाता है और बोलता है कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। कोल निराश हो जाता है और बोलता है कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरी मदद नहीं कर सकते हो। अब हम देखते हैं मैलकम अपने घर आता है और वो उसी लड़के को घर से निकलते हुए देखता है। वो सीधा बेसमेंट में चला जाता है जहाँ वो अपने उसी पेशेंट विंसेंट की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। उसे रिकॉर्डिंग सुनते हुए एक स्पैनिश में आवाज सुनाई देती है जिसमें वो बोलता है योर नो क्यूरो मरिन, इसका मतलब होता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अब मैलकम कोल से मिलने चर्च में जाता है जहाँ वो उससे पूछता है कि जो मरे हुए लोग तुम्हें दिखते हैं वो तुमसे क्या चाहते हैं। कोल बोलता है कि वो मुझसे मदद मांगते हैं। मैलकम समझ जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इससे कैसे बचाना है। कोल पूछता है कि कैसे। वो बोलता है कि तुम्हें उन मरे हुए लोगों की मदद करनी होगी। कोल बोलता है कि अगर उन्हें मदद नहीं चाहिए तो, या फिर वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे तो। मैलकम ये सुनकर वहां से बिना कोई जवाब दिए वापस चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कोल अपने टेंट में सो रहा होता है, तभी अचानक उसे उसकी मॉम के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर अपनी मॉम के पास जाता है और देखता है कि उसकी मॉम सपने में चिल्ला रही होती है। कोल अपनी मॉम का सर सहलाकर उन्हें सुला देता है। अब हम देखते हैं कि कोल अपने टेंट में आ जाता है और वहाँ का वातावरण ठंडा होने लगता है। कोल समझ जाता है कि वहाँ उसके आसपास कोई आत्मा है और वो तभी वहाँ एक लड़की को देखता है। वो वहाँ से डर के भाग जाता है, पर वो वहाँ वापस आता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो या फिर मेरी कोई मदद चाहती हो। अब हमें सीधे अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ कोल मैलकम के साथ उसी लड़की के फ्यूनरल में जाता है। मैलकम और कोल उस लड़की के कमरे में जाने लगते हैं छानबीन करने के लिए। कोल मैलकम को कमरे के बाहर खड़े होने के लिए बोलता है और खुद कमरे के अंदर चला जाता है जहाँ उसे वही लड़की मिलती है और उसे एक बॉक्स देती है। कोल और मैलकम वो बॉक्स लेके नीचे आ जाते हैं। कोल वो बॉक्स उस लड़की के डैड को दे देता है और बोलता है कि आपकी बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है। कोल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वो आदमी जब बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक वीडियो कैसेट होता है। जब वो उस कैसेट को प्ले करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को उसकी बीवी ने ही जहर देकर मारा है। कोल उस लड़की के जरिए उसकी छोटी बहन को बचा लेता है क्योंकि वो उसको भी जहर देकर मारने वाली होती है। अब कोल आत्माओं से डरना छोड़ देता है, वो उनसे बात करके उनकी मदद करना शुरू कर देता है। वो फिर से मैलकम से चर्च में मिलता है और बोलता है कि वो अब बहुत खुश है और वो ये भी बोलता है कि उसे पता है कि तुम अपनी वाइफ से कैसे बात कर सकते हो। वो बोलता है कि तुम उससे तब बात करना जब वो सो रही होगी। मैलकम अब वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कोल और उसकी मॉम गाड़ी में एक जाम में खड़े होते हैं। दरअसल वहाँ एक औरत का एक्सीडेंट हो गया होता है। कोल अपनी मॉम से बोलता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो बोलता है कि मैं आपको अपना सीक्रेट बताना चाहता हूँ। वो बताता है कि मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं और जिस औरत का अभी एक्सीडेंट हुआ है उसके सर में चोट लगी है और वो मेरे साइड में ही खड़ी है। उसकी मॉम उस पर पूरा विश्वास नहीं करती है। वो बोलता है कि आप मुझे पागल तो नहीं समझेंगी ना। तो उसकी मॉम बोलती है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ, पर अभी भी उसकी मॉम को उस पर पूरा विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो अपनी मॉम को उसके और उसकी ग्रैंड मदर के कुछ सीक्रेट बताता है जो कि सिर्फ उसकी मॉम को पता होते हैं। वो बोलता है कि आपने उनकी ग्रेव के पास उनसे एक सवाल किया था जिसका जवाब है हर रोज। वो अपनी मॉम से पूछता है कि उन्होंने उनसे क्या पूछा था। वो बोलती है कि मैंने पूछा था कि क्या आप मुझे हमेशा प्यार करेंगी। अब कोल की मॉम उसे गले लगा के रोने लगती है। उधर हम मैलकम को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के पास होता है। उसकी वाइफ नींद में बोल रही होती है आई मिस यू। मैलकम भी उससे बोलता है कि आई मिस यू। उसकी वाइफ ये भी बोलती है कि तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए। अब हमें यहाँ फिल्म का ट्विस्ट पता चलता है कि मैलकम की भी मौत हो चुकी है और मैलकम को कोल की अब वो बात याद आती है जिसमें वो ये बोलता है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता है, पर मरे हुए लोगों को ये नहीं पता होता कि वो मर गए हैं। अब एक एक कर मैलकम को सारी बातें याद आना शुरू हो जाती है जिसमें उसे याद आता है कि उसके एक पेशेंट विंसेंट ने उसको गोली मार दी थी। वो ये भी समझ जाता है कि शायद इसी वजह से उसकी बीवी ने अकेलापन दूर करने के लिए उस लड़के से दोस्ती की है। वो अपनी शादी की रिंग को देखता है जो उसके हाथ में नहीं होती है, पर उसकी बीवी ने आज भी वो रिंग पहनी होती है जिसका मतलब ये था कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करती थी। अब मैलकम अपनी बीवी के पास बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे यहाँ किसी की मदद करनी थी जो मैंने अब कर दी है। वो अपनी बीवी को ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम सो जाओ, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर मैलकम अपनी शादी के लम्हों को याद करने लगता है और तभी ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर और लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।